हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशरफ और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल अशरफ टेक। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक सीएससी आईडी से कैसे ऑपरेटर आईडी क्रिएट किया जाता है। अगर पूरा जानना चाहते हो आप लास्ट तक वीडियो को देखिए, तब जाके आपको पूरा समझ में आएगा। आप अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए, क्योंकि हमारा तरफ से ऐसा वीडियो आपको मिलते रहते हैं। पूरा बहुत सारा वीडियो भी हमारा यूट्यूब चैनल पर है, जाके भी देख सकते हो। तो अभी जो आपको दिखाने वाला हूँ, आपको पूरा अच्छी तरीके से देखना है सीएससी आईडी क्या होता है और सीएससी ऑपरेटर आईडी क्या होता है, तो वो पूरा भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक सीएससी आईडी क्या होता है? सीएससी आईडी होता है जो गवर्नमेंट पोर्टल होता है, वो होता है सीएससी आईडी। तो आपको सबसे पहले उसका वेबसाइट खोल कर दिखा देते हैं। सबसे पहले तो मैं क्रोम ब्राउज़र में चला जाऊँगा। ये देख सकते हो मेरा सीएससी पोर्टल लॉगिन है, इसको लॉगआउट कर लेते हैं। इसको जैसे लॉगआउट कर लूँगा, थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देख सकते हो यहाँ पे गवर्नमेंट से जितना सारा सर्विसेज होता है ये सब सीएससी में ही मिलता है। गवर्नमेंट से जितना सारा इंश्योरेंस से लेके जितना एडुकेशन के माध्यम से हो, गवर्नमेंट सर्विस के माध्यम से हो, पूरा जितना सारा फॉर्म फिलअप होता है, हर तरीका का जितना सारा सर्विस होता है, सब सर्विस इस डिजिटल सेवा जो पोर्टल है उस पोर्टल में मिलते हैं। तो उस पोर्टल को कैसे आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, अगर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बहुत सारा वीडियो यूट्यूब में है, जाके देख सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत ही दिक्कत परेशानी का झेलना पड़ता है, अभी बहुत ही प्रॉब्लम आता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ। मेरा एक सीएससी का जो पोर्टल है, मेन पोर्टल, उस पोर्टल को अगर लॉगिन कर लोगे, आपको सेम इंटरफेस ऐसे दिखेगा। पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसको। आप मान लो आपका आपका गांव में किसी का सीएससी है, पहले से ही सीएससी है, वो बंदा पहले से करके रखे हैं, अगर चाहो तो उनका साथ में बात करके सीएससी का ऑपरेटर आईडी उनका पास से ले सकते हो। अगर सीएससी ऑपरेटर आईडी लेके काम करते हो आप, सीएससी में जितना सारा सर्विसेज मिलते हैं आपको भी सेम उतना सर्विसेज ही मिलेगा। तो आपको कैसे करना है वो पहले बताते हैं। देख सकते हो मेरा डैशबोर्ड खुल गया है सीएससी का। इसमें से मैं अभी लाइव क्रिएट करके दिखाऊंगा एक ऑपरेटर आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दिख जाता है। यहाँ पे नीचे तरफ अकाउंट का जो ऑप्शन है उस अकाउंट पे आ जाना है, अकाउंट का ऑप्शन पे। उसके नीचे तरफ दिखते हैं ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स आईडी में जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे एक नया पेज खुल जाएगा, थोड़ा खुलने देते हैं। देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक भी यहाँ पे ऑपरेटर ऐड नहीं है, मेरे को यहाँ पे ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है ऐड ऑपरेटर बोल के, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा, उस बेसिक डिटेल्स को यहाँ पे देके आपका 5 मिनट के अंदर सीएससी आईडी रेडी हो जाएगा। लेकिन आप अगर तुरंत अगर चाहो तो दूसरे जगह से नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप खुद का सीएससी आईडी लेना चाहते हो तो एक दो दिन में संभव नहीं है, कम से कम 1 से 2 महीना टाइम लगता है, वो भी बहुत एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ता है, थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। उसके बाद अगर आपका कोई दोस्त है, दोस्त का अगर सीएससी हेड है आईडी है तो उनका पास से ले सकते हो। तो क्या क्या यहाँ पे मांगते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर मांग रहा है, ऑपरेटर फुल नेम मांग रहा है, डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, और यहाँ पर मांग रहा है जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। मैं यहाँ पर सब फिलअप कर लेता हूँ। तो सबसे पहले फिलअप कर लेते हैं। देख सकते हो मैंने पूरा सब कुछ यहाँ पे भर लिया है। भरने का बाद में यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर से जैसे आप पूरा भर दोगे यहाँ से, तो आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होता है। सेंड ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका पास ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहाँ पे सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद ही आपका ये ओपन होता है। क्या करना है मैं पहले करके दिखा देता हूँ। सेंड ओटीपी पे जैसे क्लिक करोगे आपका ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा। ईमेल आईडी पे ओटीपी जैसे जाएगा, ओटीपी मैं डाल लेता हूँ, थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी सेट कर देंगे, दो जगह पे ओटीपी जैसे आता है ओटीपी डाल देते हैं। सेंड ओटीपी बोल के ऑप्शन आता है, यहाँ पे सेंड ओटीपी जैसे ही करोगे तब जाके ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहाँ पे डालोगे तब जाके वो वेरीफाई हो जाएगा। जैसे वेरीफाई हो जाएगा
तब जाके आपको यहाँ पे नीचे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, सबमिट करना है। जैसे सबमिट करोगे आप, तब जाके आपका ये होगा। अगर यहाँ पे पूरा सब कुछ ठीक ठाक नहीं किए तो नहीं हो पाएगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली कॉन्ग्रेचुलेशन दी ऑपरेटर वेली अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुल। यहाँ पे देख सकते हो पूरा समस्त सब सब कुछ यहाँ पे रेडी हो गया। और इनका पूरा कहाँ से कहाँ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से कौन सा कहाँ पे, पूरा सब कुछ यहाँ पे दे दिया है। तो आप भी अगर करना चाहते हो तो आप सेम इसी तरह करना चाहते हो तो कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो ऑपरेटर आईडी क्रिएट किए थे, यहाँ पे दिख रहा है जो इस नाम से ऑपरेटर आईडी क्रिएट किया गया था। तो यहाँ पे ऑपरेटर आईडी तो रेडी हो चुका है। तो आप लोगों को अभी दिखाएंगे इस ऑपरेटर आईडी लॉगिन करके इसमें कौन सा सर्विसेज मिलते हैं और इस ऑपरेटर आईडी को लेकर काम करना चाहिए। आपका पास अगर सीएससी का आईडी अगर नहीं है तो आप एक काम कीजिएगा, किसी का पास से, किसी दोस्त या आपका नज़दीक में जितना सारा सीएससी सेंटर है उनका पास से जाके बात करके सीएससी ऑपरेटर आईडी लेके भी काम कर सकते हो। उसमें भी सेम उतना ही सर्विस मिलता है। चलो आपका लॉगिन करके दिखा देते हैं। चलो मैंने इसको लॉग आउट कर लेते हैं। ये ओरिजिनल जो सीएससी का पोर्टल है वही है। मैंने अभी जो ऑपरेटर आईडी है वो लॉगिन करके दिखाएंगे। ऑपरेटर आईडी लॉगिन कर लेते हैं। देख सकते हो सेम एक ही तरह लॉगिन हो रहा है, जैसे ओरिजिनल जो सीएससी आईडी होते हैं उसमें जैसे लॉगिन होता है सेम इसमें भी सेम लॉगिन होते हैं। देख सकते हो यहाँ पे सेम पोर्टल दिख रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस में भी जैसे क्लिक करेंगे कौन सा सर्विस दिया गया पहले देख लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पे जितना सीएससी में दिया जाता था ये ऑपरेटर आईडी में भी सेम उतना ही सर्विस दिया जा रहा है। तो आप भी अगर अभी तक सीएससी आईडी अगर लेने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो और आपका नहीं मिल रहा है तो चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। आपका नज़दीक में जितना सारा सीएससी सेंटर है उनके पास से जाके ले सकते हो। अब अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल को भी अगर ज्वाइन नहीं किए हैं जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से जितना सारा हमारा अपडेट होता है, जितना सारा अपडेट होता है पूरा सब कुछ हम लोग टेलीग्राम में सबसे पहले आपको मिलते रहेगा। अब हम लोग डालते रहेंगे, आपको सबसे पहले मिलते रहेगा। यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं, चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं।